स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज जो है हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट जो कि आपने देखा होगा बागी 3 का जो एक टाइटल इफ़ेक्ट है, तो कुछ उस तरह का इफ़ेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। और किस तरह से बनाना है आपको जो है सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये मैंने क्रिएट किया है अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में। तो इसके लिए जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा एडोबी आफ्टर इफेक्ट का, और इसके साथ जो है आपको वीडियो को पायलट का एलिमेंट 3D के साथ जो है एलिमेंट 3D होना चाहिए, और वीडियो को पायलट का आपका जो है सेबर प्लगइन जो है ये दो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेबर आप जो है डायरेक्ट अगर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं एलिमेंट 3D और सेबर ये दो चीज़ आपके PC में इंस्टॉल रहना चाहिए प्लगइन एज ए प्लगइन। तो कैसे इंस्टॉल करना है वो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए अगर आपके पास में नहीं है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आप अगर खुद से पूरा प्रोसेस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारा चीज़ करने में मैंने जो है एक ट्यूटोरियल देख के किया है। तो आप अगर खुद से ये सारा प्रोसेस अगर करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ जो है देख सकते हैं, वीडियो को पायलट का ही एक ट्यूटोरियल मैंने देखा था, तो उसका उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसको देख के आप ये पूरा स्टेप करके आप खुद से भी बना सकते हैं। मगर इस वीडियो में जो है मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट फाइल देने वाला हूँ जिसमें आप जो है अपना टेक्स्ट या अपना लोगो वगैरह जो है आप लगा के आप अपने लिए वीडियो बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट फाइल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर क्रॉस फायर पार्टिकल ये जो है प्रोजेक्ट फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, और इसको आपको जो है डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पूरा सारा चीज़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है जो मैंने टाइटल का जो फॉन्ट है, फॉन्ट जो यूज़ किया है वो उसका भी आपको यहाँ पर RR फाइल जो है आपको विनवार फाइल जो है मिल जाएगा, इसको भी एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। आपको अगर वही टेक्स फॉन्ट चाहिए तो आप अगर अपने हिसाब से टेक्स फॉन्ट रखना चाहते हैं तो आपके पास जो भी टेक्स फॉन्ट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जो AI फाइल है उसको आप ओपन कर लीजिए, तो इस तरह का प्रोजेक्ट आपको ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर बागी 3 लिखा हुआ ये वाला जो कॉम्पोजिशन है इसमें ये फाइनल रेंडर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का इफ़ेक्ट जो है क्रिएट है, ये फाइनल रेंडर है। आप इसमें जो है आपको सबसे पहले आप अगर टेक्स्ट यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइटल लुक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है यहाँ से टेक्स्ट टू फॉर एडिट, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से जो है आप अपना कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो है आप लिख सकते हैं। आप अगर यहाँ पर अपना कोई टेक्स्ट अगर लिखना चाहते हैं तो सिंपल है, आप यहाँ पर जो बागी का ये टेक्स्ट लेयर है इसको आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको बैकस्पेस मारिए तो टेक्स्ट गायब हो जाएगा, और उसके बाद में आप आपका जो भी टेक्स्ट है तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है। और यहाँ पर अगर हम फिर से इस वाले कॉम्पोजिशन में जाएं तो यहाँ से बागी 3 से जो है मेरा जो टेक्स्ट है जो मैंने चेंज किया है वो यहाँ पर फाइनल रेंडर में आपको चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। अब इसको जो पोजिशन वगैरह जो है आपको करना है तो आगे और क्या क्या चीज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से फिर से हम टेक्स्ट एडिट में जाएंगे और इस वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में इसको जो है हमको सेंटर पोजीशन में कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम हो गया, ये सेंटर हो गया। उसके बाद में हम जाएंगे पार्टिकल लुक, पार्टिकल लुक में जाने के बाद में तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर अगर देखें जो मैंने टेक्सचर जो यूज़ किया हुआ है वो हमारा जो लेटर है वो बड़ा हो गया और टेक्सचर छोटा हो गया है। तो यहाँ पर आप ये PNG वाला इमेज आप जो है जो टेक्सचर इमेज है इसको जो है आप क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको टेक्सचर का साइज़ इस तरह से आप इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि आपका जो लेटर है वो आपका यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको कर लेना है, और उसके बाद में वापस से टेक्स्ट लेयर में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हमको ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला है और ये, तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अपना टेक्स्ट रखा है, और फिर से हम अगर यहाँ फाइनल रेंडर में जाएँ तो यहाँ पर थोड़ा सा रेंडर होगा, क्योंकि रेंडर होगा
क्योंकि यहाँ पर जो है फुल रखा हुआ है, तो थोड़ा सा रेंडर प्रोसेस स्लो है। तो यहाँ पर जो है अपना फाइनल जो रेंडर है हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो है आपको और कुछ चीज़ें और चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपना टेक्स्ट चेंज कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा क्रॉस फायर है वो जा रहा है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब मैं इसका पोजीशन वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा आपको, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से जो है बहुत सारा चीज़ आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कलर कंट्रोल है, तो यहाँ पर आप जो सा भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो है आपका जो क्रॉस फायर का जो कलर है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप कलर जो है चेंज कर सकते हैं। आप जो कलर रखना चाहें वैसा कलर जो है आपको यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर चेंज हो गया, और इसी वाले ऑप्शन में आप अगर आर प्रेस करेंगे तो यहाँ रोटेशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर जो है आप रोटेशन भी जो है यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमारा टेक्स्ट का जो रोटेशन, जो क्रॉस फायर का जो रोटेशन है उसको मैंने चेंज किया है, तो यहाँ रोटेशन भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से जो है आप अपना जो क्रॉस फायर है उसको जिस तरह से लगाना चाहते हैं उस तरह से आप रोटेशन दे सकते हैं। सो गाइस यहाँ से जो है रोटेशन हम कर लिए, और इसके बाद में हम अगर यहाँ पी पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पोजीशन आएगा, तो पोजीशन भी जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पोजीशन भी यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने आपको जो है टेक्स्ट चेंज करके दिया दिखाया है। आप अगर आपका लोगो वगैरह जो है वो डालना चाहते हैं, लोगो चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फिर से टेक्स्ट फॉर एडिट में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा जो लोगो है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फाइल पे चले जाता हूँ और हमारा जो लोगो है उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो लोगो जो है आप कलरफुल मत लीजिएगा, आप कोई भी जैसा सिंगल कलर वाला जो ट्रांसपेरेंट लोगो है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो ये मेरा ट्रांसपेरेंट लोगो मैंने बनाया है, इसको जो है मैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेके छोड़ देता हूँ। अब टेक्स्ट का जो आई बटन है इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा ट्रांसपेरेंट लोगो जो है वो ब्लैक कलर में इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रांसपेरेंट को रखूँ तो यहाँ पर मेरा जो लोगो है उसको देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं एस प्रेस करके इसको जो है थोड़ा सा स्केल डाउन कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर में रख लेता हूँ। और इसके बाद में मेरा जो चैनल का टाइटल है उसका भी मैंने जो है एक ट्रांसपेरेंट PNG इमेज क्रिएट किया है, बनाया हुआ है, तो उसको भी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, और इसको भी यहाँ पर लेकर ड्रॉप कर देता हूँ। और इसका भी पोजीशन जो है हम इस तरह से सेट कर देते हैं थोड़ा सा नीचे में। अब यहाँ पर सारे चेंज होने के बाद में फिर से हम हमारा जो फाइनल जो कॉम्पोजिशन है वहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा लोगो का भी जो है चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो भी आ गया है, मगर इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टेक्सचर इमेज है वो पूरी तरह इस लोगो पे कवर नहीं है। तो फिर से हम जाएंगे टाइटल लुक पे, और यहाँ से हमारा जो ऊपर वाला PNG इमेज है टेक्सचर है तो इसको जो है हमको इस पर कवर करना है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा स्केल वगैरह दे देते हैं और इसको इस तरह से हम कवर कर देते हैं। तो यहाँ हमारा टेक्सचर लेयर जो है इस पर कवर हो गया है। अब यहाँ से हम वापस हमारे जो फाइनल कॉम्पोजिशन है वहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो और जो चैनल का नाम है वो आ चुका है। अब यहाँ से फिर से हम सॉलिड में जो है यहाँ पर जाने के बाद में हम हमारा जो क्रॉस फायर है उसको हम सेट कर सकते हैं। अगर हमको पोजीशन में पी प्रेस करके इसका पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे तो हम पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने लिए जो है टेक्स्ट एनिमेशन जो जो भी इफ़ेक्ट है जो मैंने बनाया है वो आप अपने लिए भी बना सकते हैं। आपका इंट्रो वगैरह जो है आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।